हनी की चोटी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी चोटी, और गुल्लिन की भी बहुत बड़ी चोटी है भाई, बहुत सुंदर ही है दोनों की चोटियाँ। क्योंकि गुल्लिन का नाम लेना है, नाम नहीं लिया ना तो वो मारेगी मुझे। वीडियो में मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम क्यों नहीं आया बीच में? तो मेन बात ये है कि इनको छुट्टियां हो गई हैं 16 तारीख तक, और लोहड़ी बोलते पंजाबी में, संक्रांति बोलते यहाँ तेलुगु में, और यहाँ संक्रांति की छुट्टियां हैं और लोहड़ी की 16 तारीख तक है, 17 तारीख तक। और हनी को जो मैंने, हनी की हाइट हो गई है ना ज्यादा ही ऊपर ऊपर उठी, ऐसे दिखावा करती है। तो हनी के शूज जो मैंने यहाँ लोकल से लिए थे ना, तो जब सुबह पहन के जाते हैं ना, शाम को जब आते इतनी, मैं क्या बोलूँ, गंदी बदबू हुआ। हनी को मैं साथ लेके जा रही हूँ और मुझे चाहिए किचन का सामान। मैं हनी मकैंजल के लिए जा रही हूँ, गुल्लिन का ज़्यादा इतना खाने का डिमांड नहीं रहता है, और इनको चाहिए कुछ खाने के लिए, स्वीट ये वो, तो वो ले लेंगे। और भी कुछ स्नैक्स बनाने के लिए ना घर पे सामान नहीं है, वो लेके आना है। हनी और ऐसे ऐसे करती है, जिसका हाइट हो गई है मुझसे थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा ऊपर ऊपर चढ़ती है कि और ज्यादा मैं हाइट में लगूं। तो बैठ जा आराम से। तो अभी इसको शूज भी लेके दे रहे थे मैंने, और मेरा किचन का थोड़ा सामान था, ऑयल खत्म हो चुका है, तो मैं बोले चलो हम लोग फ्री है तो ले आते हैं, हनी को बोली में जाएंगे। हनी हनी हर बात सुनती है मेरी। और ये देखिए हमारी परी, परी की हाइट कम हो रही है, परी ताला पकड़ के पहले ही खड़ गई है कि हाँ जल्दी ताला लगाओ जाएंगे। आपको पता है ये दीदी का फोन आ गया बीच में। हनी चल के देख ले, चल के वेले अच्छे से, बाद में मत बोलना। दो दो पैर ले लो। कौन सा कंपनी के दे रहे भैया? एक जॉकी का, एक जनरल, छोटा बच्चा जनरल है। ओ हो रहा, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से पैसे दो भैया। बॉक्स मत देना, हाँ स्कूटी पे आए हैं, बॉक्स मत देना, अभी और भी सामान लेना है। आज मम्मी को इतनी ठंड लग रही है ना, पूरा फेस नेक सब कवर कर लिया, सब इसकी वजह से हुआ है। इधर कैंसिल है ना, ये तो मुझे बीमार ही कर देती है, क्योंकि अब ठंडी का टाइम है और मैं टू व्हीलर पे ही जाती हूँ ज्यादा। और ये क्या करती है, ऐसे बाल बना के, आपको मालूम ही है ये परी है हमारी, परी बन के आगे खड़ी हो जाती है, जब थोड़ी सी स्पीड करो तो ये क्या बोलती है, धीरे करो धीरे करो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, मेरा क्लिप खराब हो जाएगा। तो हम लोग जो आधा घंटे का रास्ता है ना, वो 2 घंटे लगा देते धीरे धीरे धीरे, कि हमारे परी के बाल ना खराब हो जाए। तो इसकी वजह से ना मुझे ठंडी कल लग गई बहुत, तो आके भी रात को भी बहुत हालत खस्ता हो गई थी, तो मैंने सोचा आपको भी बोल दूँ कि हम शूज लेके आ गए थे। और भी मैंने बहुत सारा सामान लिया था, जो भी घर पे चाहिए था, किचन में पूरे मंथ के लिए चाहिए मुझे सामान, वो सब ले लिया था मैंने। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जो नए हमारे घर आ रहे हैं, सुखबीर रंधावा घर में आ रहे हैं नए लोग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।